कर सकते हैं। कि आप तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तैयारी की है ना, आप इच्छुक हैं। देखिए, हम तो तैयारी आज से नहीं, सब दिन करते रहते हैं। हम लोग चुनावी मूड में रहते हैं, जब और मौका दिया जाएगा हमको गार्जियन की तरफ से तो मुश्किल क्या। मीसा भारती का आदेश होगा कि आप जाइए लड़िए, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी नेताओं की आज बैठक हुई है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर, और उसके बाद 2024 को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। देखिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने घंटों तक अपने तमाम जितने आरजेडी कोटे के विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सबके साथ बैठक की है, क्योंकि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, इस बात की आशंका भी जाहिर की जा रही है। लेकिन हम बात करेंगे अब पाटलिपुत्र सीट को लेकर। देखिए, पटना का पाटलिपुत्र सीट, पटना साहिब और पाटलिपुत्र सीट, जब परिसीमन हुआ उसके बाद पटना साहिब से एक और सीट जो बाहर आया वो पाटलिपुत्र सीट है, जहाँ से रामकृपाल यादव चुनाव जीत के आते हैं। क्या रामकृपाल यादव के खिलाफ इस बार आरजेडी की ओर से रीतलाल यादव चुनाव लड़ेंगे? जब आरजेडी की बैठक हुई, आरजेडी नेताओं की बैठक हुई, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ बैठक हुई, रीतलाल यादव जब बाहर निकले उन्होंने क्या कुछ कहा है? मीसा भारती अगर कह देंगी, देखिए मीसा भारती वहाँ से दो दफ़े चुनाव लड़ी हैं और दोनों ही दफ़े रामकृपाल यादव, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, जो पहले लालू प्रसाद के हनुमान भी थे, उन्होंने अपनी ही भतीजी मीसा भारती को चुनाव हराया है पाटलिपुत्र से। बीजेपी वहाँ चुनाव जीती है, रामकृपाल यादव वहाँ चुनाव जीते हैं, और उसके बाद अब क्या आरजेडी से रीतलाल यादव लड़ेंगे? इच्छा तो है, देखिए मन में इच्छा तो है, जो बातें हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसके बाद आप भी जरूर जान जाएंगे कि रीतलाल यादव तैयारी कर रहे हैं और इच्छा तो है, लेकिन क्या सच में पार्टी रीतलाल यादव को मौका देगी? जरा सुनिए। पूरे बिहार में लड़ रहा है, सिर्फ पाटलिपुत्र की बात नहीं है, और हम लोग पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं और पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कि हमको जीतना भी है और पार्टी के जो हमारे गठबंधन के लोग हैं उनको जिताना भी है। दे दिया कि भाई अगर चाहेंगे लालू यादव चाहे मीसा भारती तो चुनाव लड़ सकते हैं। कि आप तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तैयारी की है ना, आप इच्छुक हैं? देखिए, हम तो तैयारी आज से नहीं, सब दिन करते रहते हैं। हम लोग चुनावी मूड में रहते हैं, जब पार्टी का सिपाही हैं तो पार्टी का कार्यक्रम है तो उसको तो हम लोग सदैव चलाते ही रहते हैं ना, और चलाते रहेंगे ही, और मौका दिया जाएगा हमको गार्जियन की तरफ से तो मुश्किल क्या। मीसा भारती का आदेश होगा कि आप जाइए लड़िए, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल, मन में इच्छा है। अभी जो वहाँ पे हैं वो तो कह रहे हैं कि कोई भी आके लड़ ले, हम देख लेंगे। जो अभी मौजूदा वहाँ पे हैं सांसद हैं, वो तो कह रहे हैं कोई भी लड़ ले, फिर से जीत एनडीए की ही होनी है। देखिए, आपको जानकारी होगा, राम का जीत नहीं हुआ था, रावण का हार नहीं हुआ था। रावण का हार हुआ था घमंड के कारण, और आगे समझ लीजिए आगे क्या होने वाला है पाटलिपुत्र। आप मजबूती से मानते हैं कि पाटलिपुत्र की जनता ने मन बनाया हुआ है इस बार? जी, आप मानते हैं कि पाटलिपुत्र की जनता ने मन बनाया हुआ है इस बार? जनता मन बनाई है, हमारे अभिभावक का आदेश होगा जनता के अनुसार, तभी मैं कुछ करने जा रहा हूँ, अन्यथा कुछ नहीं। अखाड़े में उतरेंगे तो आप जनता के मन को तो भाप रहे हैं ना, क्या जनता का मूड है? हमारे गार्जियन भाप रहे हैं। तो रीतलाल यादव ने क्या कुछ कहा आपने सुना है, देखना यह है कि पार्टी क्या मौका देती है, क्योंकि अब जब बात हो रही है लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में क्या एक बार फिर से मीसा भारती ही चुनाव लड़ेंगी? अगर मीसा भारती चुनाव लड़ती है तो देखिए परसेप्शन पहले से ही खराब है, मीसा भारती के खिलाफ भी वहाँ पर कई सारे जो खेमे हैं वो दिखते हैं, लेकिन मीसा भारती अगर चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि इस बार महागठबंधन है आरजेडी प्लस जेडीयू है, तो फायदा होने का भी एक कहीं ना कहीं चांस होगा, गुंजाइश रहेगी, लेकिन देखना होगा रीतलाल यादव क्या हट पे अड़ जाएंगे, क्या रीतलाल यादव चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि पार्टी जो कहेगी वही हम करेंगे, और आगे रामकृपाल यादव के सामने क्या रीतलाल यादव दानापुर के जो विधायक हैं आरजेडी से वे चुनाव लड़ेंगे, देखना होगा। लेकिन मीसा भारती भी क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, क्या मीसा भारती चुनाव नहीं लड़ेगी 2024 में महागठबंधन के साथ इंडिया की तरफ से, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।